तो पब्लिक आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एलडी प्लेयर 5 में पबजी मोबाइल को अपने लो एंड पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एलडी प्लेयर 5 का अपडेट जो है वो आ चुका है। यहाँ पर इनका ये क्लेम करना है कि यहाँ पर आप अपने लो एंड पीसी में प्ले करने के साथ साथ यहाँ पर आप कोई भी ऐप जो है वो इजिली रन कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल की ऐप डाउनलोड करके दिखाऊंगा। लो एंड पीसी में प्ले करने की कुछ टिप्स दूंगा जिनको कि अगर आप यूज करेंगे तो आपका गेम भी नहीं लैग होगा और जो ओपन जीएल का आपको इश्यू आता है वो भी नहीं आएगा। की मैपिंग का भी गाइड करूंगा। इस वीडियो में आपको बेस्ट सेंसिविटी भी देने वाला हूँ। लेट मैच मेकिंग के इश्यू को भी फिक्स करवाने वाला हूँ। सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पबजी मोबाइल को भाई सीजन 1 से खेल रहा हूँ एंड एलडी प्लेयर पे मैं शिफ्ट हुआ था सीजन 6 से। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं एलडी प्लेयर पे कितने टाइम से खेल रहा हूँ और मुझसे बेटर आपको कोई भी गाइड नहीं कर पाएगा। एलडी प्लेयर पे मैंने बहुत सीजन खेला पबजी मोबाइल एंड बहुत ज्यादा रैंक पुश किया। तो मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें आपने करनी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका। सबसे पहले एलडी प्लेयर का आपको ऑफलाइन सेटअप डाउनलोड करना है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। ये वीडियो आप अब देख रहे हैं, ये काफी टाइम बाद भी देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काम की ही रहेगी क्योंकि इस वीडियो को बनाया ही ऐसे गया है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्टली सिलेक्ट करनी कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो। यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करो, जिधर भी इंस्टॉल करो वहाँ पे 15 GB की पबजी मोबाइल के लिए स्पेस खाली होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं जो है ना इसी को लोकल डी में सिलेक्ट करता हूँ एंड हिट इंस्टॉल। इस एमुलेटर में आप BGMI नहीं खेल सकते। पबजी मोबाइल ग्लोबल के या वियतनाम, ताइवान, चाइनीज जितने भी वर्जन है वो सारे इसमें इजिली चल जाते हैं विद बेस्ट की मैपिंग। तो यहाँ पर हमारा एलडी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जब आपकी टाइमिंग जो है वो यहाँ पे 20 तक या 30 तक आना शुरू हो जाए आप इस एमुलेटर को बंद कर दें। तो यहाँ पर जब आपने एलडी इंस्टॉल किया उसके साथ आपको एलडी मल्टीप्लेयर भी मिलता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 32 बिट एंड्रॉइड 7.1 का सपोर्ट दिया गया है। इसके ऊपर टिक करके आपने यहाँ पे ऑप्टिमाइज के अंदर चले जाना है। इधर से आपने करना है 16 MB को सेलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर आप यूज लेस मेमोरी पे टिक कर देना है अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है। इसी के साथ हम फिलहाल अब इसको कट करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर, ऑप्टिमाइज सेटिंग के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जितने भी मोड दिए गए हैं अल्ट्रा वाइड के अलावा आप इन दोनों मोड में की मैपिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबकी चलेगी। तो यहाँ पर हम जो है ना टैबलेट मोड रख रहे हैं। उसी के साथ साथ मॉडल्स में जाके मेन चीज यहाँ पे पब्लिक स्टार्ट होती है 120 MB को हटा के असोस की डिवाइस ये सिलेक्ट करनी है आपको। इसके अंदर आपको गेम सेटिंग में जाना है। इधर से आपने 19 FPS सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर AX टेक्सचर को अनचेक कर देना, दोनों को टिक कर देना है। इसी के साथ साथ नीचे अगर आप जाएंगे इधर से आपको शॉर्टकट कीज मिलती है, इन सबको बंद कर दे। गलती से आपका F1 प्रेस हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया, इस सब चीजों से आपने बचना है। उसके बाद यहाँ पे अदर्स में जाके रूट परमिशन को डिसेबल कर देना है एंड सेफ के ऊपर क्लिक कर दे। तो हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। एक और चीज यहाँ पे राइट क्लिक करके जो एलडी प्लेयर मेन वाला है ना उसकी मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ एंड यहाँ पे कंपेटिबिलिटी में जा रहा हूँ। इधर से ना आपको जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करना है, किसी को भी अलाउ नहीं करना, सेव एंड ओके। एलडी प्लेयर को अगर आपको अपने सिस्टम पे खेलना है ना, जो चीज मेनली मैटर करती है वो करती है आपका प्रोसेसर। आपके सिस्टम में प्रोसेसर हैवी होना चाहिए। अगर प्रोसेसर आपके सिस्टम में हैवी नहीं है तो या तो एलडी प्लेयर आपको ग्राफिक कार्ड का रिक्वायर करेगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो भी उसके सिस्टम में 4 GB रैम है और i5 का प्रोसेसर लगा, ग्राफिक कार्ड नहीं है उसके सिस्टम में। एलडी प्लेयर में पबजी मोबाइल को खेलता है बिल्कुल स्मूथ 19 FPS पे सेट करके, यही सेटिंग जो मैंने आपको बताई है। अभी फिलहाल इसमें हम पबजी मोबाइल डाउनलोड करने वाले हैं। पबजी मोबाइल डाउनलोड करने का सबसे जो इजिएस्ट वे है वो है आपका प्ले स्टोर। अभी जो सेटिंग करने वाले हैं क्योंकि भाई इससे गेम अटकता है प्ले स्टोर से ना, तो आपने जाना है इसकी सेटिंग में। जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो आप कॉपी कर सकते हैं। आपने जाना है इधर अबाउट, उसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से बिल्ड नंबर के अंदर जाएं, ठीक है। यू आर अ न्यू डेवलपर बैक जाएं एंड यहाँ से अब बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से आपने जो एनिमेशन जो है ना, ये सारे इफेक्ट्स जो 3 किस्म के होते हैं, इन सबको आपको जो है ना यहाँ से बंद कर देना एंड यहाँ से जो स्मॉलेस्ट विड्थ था ना इसको 300 कर देना, ठीक है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा ऐसे, आपने ना 300 लिख के ओके कर देना। ये आपके गेम पे इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन यकीन करें बड़ा मक्खन चलता है इससे गेम। उसी के साथ इससे 4 GB RAM को ऑन कर देना एंड यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट को एटलीस्ट 2 कर देना। मैं नहीं कर रहा अभी फिलहाल, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये चीजें बता रहा हूँ। एंड यहाँ से आपने ना देखें यहाँ पर आपको एप्स का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर जाएं एंड गूगल प्ले गेम्स, इन दोनों को आप बंद कर दें। तो आपको जरूरत नहीं है, इसको आप बंद कर सकते हैं। एलडी प्लेयर जो है ना हमारा, एलडी प्ले स्टोर, इसको भी आपने बंद कर देना। तो अभी फिलहाल हम इसमें बैक चलते हैं। ये सारी सेटिंग कम्प्लीट हो जाने के बाद पबजी मोबाइल ग्लोबल एंड KR को कैसे डाउनलोड करना है। जो भी आपको गेम डाउनलोड करना है ना, ये देख सकते हैं पबजी KR OBB डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको एक वेबसाइट मिलेगी अप टू डाउन, ठीक है। ये देख सकते हैं अप टू डाउन, इस वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है। पबजी ग्लोबल मैंने लिखा है, यहाँ पे अप टू डाउन लिख दिया। इस तरीके से आपने पबजी जो भी लिखना है उसके आगे बस आपने अप टू डाउन लिख देना है, इस वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। इधर से आपको लेटेस्ट पबजी का APK एंड OBB मिल जाएगा। तो इधर से आप पबजी मोबाइल ग्लोबल, KR, वियतनाम, ताइवान सब इसमें डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ से देख सकते हैं मैंने ना इसको एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में रख लिया है, 7 ZB या विनरॉर से होता है। तो उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये 2 फाइल्स आपको मिलेंगी, उसको आपने यहाँ से कट कर लेना। कट करने के बाद आपने अपने डिस पीसी में जाना है। इधर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का, आपने इसके अंदर चले जाना एंड इधर से आपको MISC के अंदर जाना एंड इधर लाके इसको पेस्ट कर देना। अब फिलहाल आपने जो अपना एलडी प्लेयर है ओपन करना,
करना है। इधर से इसके ऊपर क्लिक करके आपने जाना फाइल मैनेजर में, इधर से आपको MISC का जो फोल्डर है वो मिल जाएगा। यहाँ से पबजी KR यहाँ पे देख सकते हैं शो हो चुकी है, देख सकते हैं इसका APK आ चुका है। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, क्यों ना एक दफा लॉन्च कर लो। अभी फिलहाल इसको लॉन्च होने जब ये आ जाए ना डाउनलोड फेल, आपने बैक चले जाना है। अब यहाँ पर आपको जो OBB मिल रहा है ना इसके अंदर ये मिलेगा COM.ISC, इधर से आपने ना ये देखें जो भी फाइल हो आपको मिले ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर ये OBB फाइल इस तरीके से होती है, main.ISC ऐसा कोई नाम होगा, अलग भी हो सकता है आपको। इसको टिक करें, टिक कर देने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इंटरनल शेयर के अंदर जाना है। इधर से ना आपको एंड्रॉइड के अंदर जाना है, OBB 3 पे क्लिक करो एंड कॉपी हियर, ये हो गया। उसके बाद अपने पबजी को लॉन्च करना, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली। इंस्टॉल हो जाने के बाद जैसे आप लॉन्च करेंगे आपने की मैपिंग कौन सी सेट करनी है, इसके ऊपर क्लिक करके ना और क्लिक वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो रखनी है आपने हमेशा। अब इसमें हमने फिक्स करना है जी हमारा जो मैच मेकिंग का इशू आ रहा है ना इसमें पबजी मोबाइल में ग्लोबल में केयर में, वो कैसे फिक्स करना, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी पबजी केयर मैच मेकिंग करके, वो जरूर से देख लेना। आपने करना क्या है, ये जो आपको माउस का मिलेगा ये आपको मिल जाएगा सेंसिटिविटी के नाम से, तो आपने वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर पूरी LD ब्लेड की A2Z सेंसिटिविटी अवेलेबल है, दो माउस की सेंसिटिविटी 80% चांसेस है कि आपके माउस के लिए परफेक्ट रहेगी। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट है, इसका पासवर्ड जो है वो देख लेना 321 पासवर्ड ही टोके, ये आपको इस तरीके से आपको फाइल मिलेगी। इसके अंदर जाए जैसे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कैमरा सेंसिटिविटी है इधर आप देख सकते हैं ऐसे, एंड इसी के साथ साथ नीचे वाली जो सेंसिटिविटी आपको देखने के लिए मिले 3D जो होती है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप सेंसिटिविटी चाहते हो तो, वरना आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।